you can get the sauce fix. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पैनासोनिक 4.1 होम थिएटर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर है पैनासोनिक SC-HT460GWK। एंड दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है ओनली 7,999 रुपीज़। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का परचेज लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज कर लीजिएगा। सो दोस्तों यार आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे एंड दोस्तों आज हम इसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। दोस्तों यार मुझे एक चीज इस मॉडल की काफी बढ़िया लगी है। दोस्तों इस पर हमें 100 वाट RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो है सोनी SA-D40। सो आने वाले दिनों में दोस्तों हम इसका कंपैरिजन भी करने वाले हैं सोनी SA-D40 के साथ। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी आज की वीडियो में तो दोस्तों यार हम इसको आपको पूरे डिटेल में दिखा देंगे कि डिजाइन कितना बढ़िया है, बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या सामान मिलता है, साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। बाकी दोस्तों यार अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट दे देंगे इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा पैनासोनिक SC-HT460GWK का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों बॉक्स पर हमें मॉडल का पूरा डिजाइन बना हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों यार हमें मॉडल नंबर भी मेंशन करा हुआ मिल जाता है। देख लीजिए दोस्तों इस पर हमें 100 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, USB का सपोर्ट मिलता है, ऑक्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ में दोस्तों यार हम इसके सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें इस पर LED डिस्प्ले भी मिल जाता है, साथ में हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बॉक्स पर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। सर फटाफट से दोस्तों अपने बॉक्स को ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले देख लीजिए हमें यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड इस पर मिल जाता है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, डिटेल में देख लीजिए इस चीज़ को। दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें एक पैकेट भी मिल जाता है। इस पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं एंड देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों हमें RC-RC केबल मिल जाती है, RC-3.5mm केबल भी मिलती है। दोस्तों हमें 2 बैटरीज भी मिल जाती है रिमोट कंट्रोल के लिए एंड हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल इस पर मिल जाता है। देखिए दोस्तों रिमोट कंट्रोल का जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। देख लीजिए हमें सारे बटन्स मिल जाते हैं सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। रिमोट कंट्रोल पर हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इनपुट का बटन भी मिल जाता है, साथ में हमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट का भी बटन मिल जाता है। दोस्तों यार एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा है, हम बेस एंड ट्रेबल को रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में दोस्तों हम इक्वलाइजर को भी रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये फीचर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है इस सिस्टम में। एंड नीचे से देख लीजिए पैनासोनिक की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। बाकी दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी भी रिमोट कंट्रोल की हमें काफ़ी बढ़िया मिलती है। दोस्तों हमें सैटेलाइट स्पीकर को वॉल माउंट करने के लिए स्क्रूज भी इस पर मिल जाते हैं। दोस्तों आप अपने सैटेलाइट स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सारे सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप कर दिया है। दोस्तों देखिए यार सबका डिज़ाइन हमें सेम ही मिल जाता है। सो मैं आपको एक ही सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल में दिखाऊंगा क्योंकि बाकी का डिज़ाइन हमें सेम ही मिलता है। तो देखिए दोस्तों यार जो सैटेलाइट स्पीकर्स का डिज़ाइन है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। साइज़ देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है एंड हमें सामने की तरफ से दोस्तों इस पर 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है। एंड नीचे से देख लीजिए हमें पैनासोनिक की ब्रांडिंग भी इस पर मिलती है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी जो है सैटेलाइट स्पीकर्स की वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है एंड हम सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बट दोस्तों यार पैनासोनिक ने ये मेंशन नहीं करा गया है कि यार ये कितने वॉट्स के हैं, सो ये चीज़ हम आपको नहीं बता पाएंगे। बाकी ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन वाइज। चलिए दोस्तों अब अपने थर्माकोल को बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड सबवूफर को भी बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। दोस्तों हमने सबवूफर को भी अनरैप कर दिया है। दोस्तों इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हमें मिल जाता है। चलिए अब मैं आपको सबवूफर को पूरी डिटेल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों सामने की तरफ से सबसे पहले हमें LED डिस्प्ले इस पर मिल जाता है एंड LED डिस्प्ले के नीचे दोस्तों हमें 6.5 इंच का बेस ड्राइवर मिल जाता है यानी कि सबवूफर। सो देखेंगे बेस क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। एंड नीचे से देख लीजिए हमें पैनासोनिक की ब्रांडिंग इस पर मिल जाती है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है यानी कि होल जहाँ से एयर पास होगी। अब मैं आपको इसके बैक साइड को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों बैक साइड पर हमें इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट मिल जाता है यानी कि हमें ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है एंड हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर भी यहीं पे कनेक्ट होंगे एंड हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए हमें USB पोर्ट भी मिल जाता है।
एंड हमें टॉप पर देख लीजिए सारे बटन्स मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन मिल जाते हैं, साथ में प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज के भी बटन हमें मिल जाते हैं। अगर दोस्तों मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यार बिल्ड क्वालिटी हमें इस सबवूफर की काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं एंड आपको थोड़ा इसका डेमो दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने अपने सिस्टम को पावर ऑन करा डिस्प्ले ऑन हो गया है। सो सबसे पहले हम आपको इसकी टॉप वॉल्यूम दिखा देते हैं। दोस्तों इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। अब हम आपको बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट करके दिखा देते हैं। दोस्तों हम -5 से +5 तक ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड हम अब आपको बेस को एडजस्ट करके दिखा देते हैं। दोस्तों हम 0 से 30 तक के पॉइंट तक बेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ अच्छी लगी कि यार हम इसके बेस को काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू रिमोट कंट्रोल। ये चीज़ दोस्तों यार हमें सोनी ऐसे D40 पर देखने को नहीं मिलती है। एंड हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से। सो इस चीज़ को भी मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब अपने सिस्टम का फर्स्ट अटेम्प्ट साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का फर्स्ट अटेम्प्ट में साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आने वाला है। एंड दोस्तों डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो में हम इसके साउंड को काफी डिटेल पे टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों हम इंडोर पे टेस्ट करेंगे, अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट करके टेस्ट करने वाले हैं, साथ में दोस्तों यार हम आउटडोर पे भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। सो डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करिएगा। बाकी दोस्तों यार अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना तो यार मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बढ़िया लग रही है। 100 वॉट्स आरएमएस का साउंड आउटपुट मिलता है एंड उस हिसाब से दोस्तों यार साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि यार ये फीचर्स वाइज कैसा है, मतलब यार 8000 रुपीज इसका प्राइस है एंड प्राइस के हिसाब से ये बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है। सो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसके डिजाइन की बात करें ना तो यार दोस्तों डिजाइन तो मुझे इसका एवरेज लग रहा है, मतलब यार उतना बढ़िया नहीं लगा है ये, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बेसिक सा इसका डिजाइन दे रखा है। हाँ थोड़ा सा और अच्छा देते तो काफी बढ़िया लगता, बट डिजाइन वाइज मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। अब डिजाइन तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। अब हो सकता है कि यार आप लोगों को बढ़िया लगे इसका डिजाइन। सो डिजाइन वाइज दोस्तों मेरे हिसाब से उतना बेटर नहीं है। बट दोस्तों अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं सो बिल्ड क्वालिटी वाइज यार दोस्तों मुझे ये काफी बढ़िया लगा है। पैनासोनिक के मतलब यार जितने भी मॉडल्स हैं दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी हमें काफी बढ़िया मिलती है। सो दोस्तों ये बात इस पर भी लागू होती है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमें काफी बढ़िया लगी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीचर्स की। यार 8000 के हिसाब से देखा जाए एंड इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जाए सोनी ऐसे D40, सो उस हिसाब से दोस्तों मुझे फीचर बढ़िया लगे हैं। पहली चीज यार इस पर हमें LED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि मुझे काफी प्लस पॉइंट लगा है। जबकि दोस्तों इससे पहले जब हमने पैनासोनिक का 5.1 होम थिएटर की वीडियो दी थी तो दोस्तों यार उस पर हमें LED डिस्प्ले नहीं मिला था, बट दोस्तों यार इस पर मिला है तो यार ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। एंड दोस्तों अगर हम सोनी ऐसे D40 की भी बात करें तो दोस्तों उस पर भी हमें LED डिस्प्ले नहीं मिलती है, तो यार यहां पर मुझे काफी बढ़िया लगा है। साथ में दोस्तों यार इस पर हमें 100 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है एंड ऐसे D40 पर केवल हमें 80 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। प्लस पॉइंट दोस्तों एक और है, इस पर हमें बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा है। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो यार फीचर्स इस पर हमें मिल ही रहे हैं। USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में हमें ऑक्स की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। बट दोस्तों यार FM रेडियो इस पर मिसिंग है जो कि मेरे को लग रहा था कि अगर दे देते तो और ज्यादा बेटर ऑप्शन ये हो जाता क्योंकि फीचर्स हमें और बढ़िया मिल जाते। बट जितने भी फीचर्स मिले हैं अगर हम सोनी ऐसे D40 को कंपेयर करके देखें तो यार उससे हमें ज्यादा बेटर
भी इस पर मिल जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि यार साउंड क्वालिटी तो हमें साइड बाय साइड टेस्ट करनी पड़ेगी, तभी हम आपको बता पाएंगे कि यार इन दोनों मॉडल्स में साउंड क्वालिटी में कौन सा बेटर है। आने वाले टाइम में आपको इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड जरूर से हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो यार दोस्तों 8000 में आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।